तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? तो सुबह हो चुकी है, हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं, चेकआउट करने वाले हैं। तो रात का रूम कितना अच्छा था, अभी हालत देखो कैसी हालत हो गई है, भाई गंद पड़ जाता है, क्या करें, बच्चा सब ऐसा हो ही जाता है। तो रूम तो अच्छा था, सर्विस भी ठीक थी। तो अब चलो निकलते हैं यहाँ से, तो फिर हम आपको मिलते हैं यहाँ से बाहर जाके। तो होटल सनराइज़ में हम लोग रुके थे, अभी ये गाड़ी जो है निकाल रही है, अब हम जाने लगे चाय पीने के लिए। रात के जुर्म में बड़ी ख़तरनाक बारिश हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा है बारिश से, तो अभी हमने चेकआउट कर लिया, तो अब हम जा रहे हैं चाय पीने की तरफ। देखते हैं चाय कहाँ पीते हैं, लिप्टन चाय पियेंगे। है ना लिप्टन? लिप्टन चाय नमकीन चा भी है, साइड पर था ये साइड पर भी है, हर हर जगह पर है। तो नमकीन चाय पीने लगे हैं अब। तो ये देखो जी, सुबह सुबह जम्मू की मॉर्निंग कुछ ऐसी होती है। ये देखो जी, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं जो कि एसी वाली होती है, बहुत अच्छी बसें होती हैं। शुक्र है ये जो इंडिया में, मतलब मिजोरी में, जम्मू में आ गई, मिजोरी में जम्मू में आ गई हैं। तो ये देखो सब लोग चेहरे अपने कामों में जा रहे हैं। तो मौसम बहुत ठीक है आज, बहुत मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है आज, क्योंकि रात को बड़ी ख़तरनाक बारिश हुई है, तेज़ बारिश हुई है। तभी हम जा रहे हैं चाय की तरफ, तो हम जाएंगे खलिंगा तलाव। ये भी एक जगह है जहाँ पे नमकीन चाय वगैरह मिलती है। तो आज जन्नत हमारे साथ है ही नहीं। जन्नत कहाँ गई? जन्नत आप कहाँ हो? मैं जन्नत से उठी हुई हूँ, मोड़ो ना अंदर वापस तो जाना भी सी। तो अब हम जा रहे हैं, हाँ पहले हम गलती कर रही हैं, हम लोग वापस गलत रास्ते पे आ गए, वापस उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो चलो जी चलते हैं चाय की तरफ। ये देखो जी, सुबह सुबह लोग चेहरे अपने कामों की तरफ दौड़ लगाई हुई है लोगों ने। ऐसी मॉर्निंग, ऐसे ये मॉर्निंग तो आज का हर हर एक कोने में है वर्ल्ड के, सुबह सुबह काम पर जाना बेचारे। तो सीधा अंदर चलो वापस। ये देखो जी, ये फ्लाई ओवर हैं जो ऊपर से जाती है रोडें। ये देखो चले जी, हम लोग जा रहे हैं अंदर वापस, जहाँ से आए थे यहाँ पे रात को आए थे, उसको अंदर करो ना कुछ ले कुछ। तो ये देखो जी, हम लोग जा रहे हैं अब खटिंगा तालाब की तरफ से चाय पीने के लिए। नमकीन चाय वहाँ की बड़ी फेमस है। ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी। वैसे तो आगे पीछे ही बड़े होटल, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं खा पी रहे, क्योंकि हमें परांठे वगैरह नहीं खाने, लाइट खाना कुछ क्या। ओके ओके, तो बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है देखो। चलो जी चलो चलो चलो, लेट्स गो मामा। इन्हें रास्ते पता ही चला कितनी बार था साइनिया, पता ही नहीं चलना। ओ हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट होटल वगैरह हैं। चलो 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 ओके। तो हम लोग पहुंच के खटिंगा तालाब गए, देखो जन्नत का फोन नया, लेकिन बस करना ना। तो हम लोग चाय पीने के लिए आ गए। जिन चाय पीनी है, भूख लगी है। तो ये देखो जी, नवासे बटर वाले और हलवा, साथ में नमकीन चाय। तो ये आ गई, हम लोग पी रहे हैं। आओ जी, फ्रूट चाट खाई नो, बड़ा स्वादला फ्रूट चाट बनया ना। इस टाइम गर्मी ना मौसम है, तो फ्रूट चाट खाने का मज़ा ही कुछ और है। अस तक खा करने हैं, तुम भी खाई नो आओ। ऐसे देखो जी फ्रूट चाट। तो जिस होटल में हम लोग रुके थे, एक्चुअली उस होटल की चाबी ने जन्नत ने मेरे बैग में डाल दी। तो वो होटल वाले भैया हमें फ़ोन कर रहे, हमारी चाबी गुम हो गई। हम तो कह रहे हमारे पास नहीं है, हमने लड़ाई भी की है। देखा कि मेरे जन्नत ने मेरे पर्स के बीच में चाबी डाली हुई थी। देखो शुक्र है अभी हम लोग जम्मू में थे, कहीं बाहर नहीं निकले यहाँ से, तो हम जा रहे हैं चाबी देने के लिए वो पास में ही होटल। तो चाय शाय पी ली हमने, तो बड़ा मज़ा आया, कश्मीरी चाय पी हमने, अलग से बहुत मज़ा आ गया। उसमें नवासे थे बटर वाले, साथ में था क्या वो कैसा और नमकीन चाय नवासे और सूजी का हलवा। हलवा अच्छा नहीं था, हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, टेस्ट लेस था उसका, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। लेकिन मज़ा है खासा, मुझे दिल कर था वो। एक्चुअली ना यहाँ पे जम्मू में ना एक स्टॉल लगता है सुबह 5 बजे लगता है मेरे ख्याल से, वो स्टॉल 8 बजे ख़त्म होता है वो बाज़ार में, जम्मू के बाज़ार में लगता है। लेकिन वो एक्चुअली लगा नहीं था, तो मुझे क्रेविंग थी कि मुझे वो खाना है, लेकिन वो नहीं मिला मुझे, तो मैंने कुछ और ही खा लिया। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एक तो खाया ही नहीं, एक तो वेस्ट कर दी, एक तो थोड़ा बहुत जाने तो मैंने खा लिया ऐसा पैसा बचाने के लिए। तो भाई इन्होंने कोई नहीं खाया, ये समझदार थे ना, समझदार नहीं थे।
तो छोटी छोटी बारिश हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। बारिश के बावजूद भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखो पसीना आ गया मेरे मुँह पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाबी देने के लिए, जरूरत खा रही है फ्रूट चाट, हमने इसके ले लिए फ्रूट चाट क्योंकि ये थोड़ा सा हलवा भी खाया थोड़ा गर्म लग जाएगा, इसलिए गर्माहट को दूर करने के लिए ठंडे आ डाल रहे हैं, थोड़ा फ्रूट चाट वगैरह दे दिए इसको लेके। तो चलिए जी निकलते हैं हम यहाँ से। अब तो अभी इस टाइम हम जम्मू बस स्टैंड के एरिया में, हम लोगों ने यहाँ से जाना है, आप जानते हैं हमें काम है। तो देखो जम्मू का बस स्टैंड है, यहाँ पे हर एक रोड पे बसें जाती हैं, हर एक रोड पे छोटी बारिश भी लगी हुई है, बसें रात से लगी हुई है। पहले तो ये एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था लेकिन अब वैसा का वैसा ही गंदा कर दिया लोगों ने, देखो क्या हालत कर दी है। देखो जी सब कुछ यहाँ पे इतना अच्छा बना दिया था ना, सब कुछ तबाह कर दिया। ये हम लोग ही करते हैं, कोई नहीं करता, गवर्नमेंट तो करती है हमारे लिए बहुत कुछ लेकिन हम लोग तबाह कर देते हैं। देखो डस्टबिन लगाए तो भी यहाँ से लोग उठा के ले गए, ये तारे शारे लगाई थी ये फ्लावर वगैरह बचाने के लिए, तारे ही लोग काट के कर लेंगे। देखो कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं, देखो बच्ची तो बस ये बच्चे जो एसी वाली हैं क्या, तो इनको ही लोग उठा के ले जाएंगे। देखो ये हम पहुंचने वाले हैं, अब टांपे में जाना है। तो गाइस अभी मैं और जनत हैं पार्किंग में, जम्मू की पार्किंग जो सबसे बड़ी पार्किंग है, जो इकलौती सबसे बड़ी पार्किंग है, वहाँ पे खड़े क्योंकि जनत के पापा गए हुए हैं अपने काम पे, तो वो जल्दी 5-10 मिनट में आ ही जाएंगे। तो हम लोग पहले तो हम लोगों ने एसी लगाया था गाड़ी में, ऐसी तो गाड़ी डुर कर दी, इसको बंद ही कर दिया, मुझे डर लगा क्या होता गाड़ी यहीं रुक जाती है, जाम हो जाती है, हम लोगों ने घर भी जाना था, नहीं क्या मसला बन जाएगा। जनत हमें क्या किया ये, तो अभी हम लोग फिलहाल तो यहीं पर खड़े, तो जनता सब कुछ किया कि सारी लाइटें ऑन कर, सब कुछ ऑन करके रख दिया। तो ये देखो इसके मैंने 3 ड्रेस चेंज कर दी क्योंकि बार बार ये कभी नाच रही है, कभी कूद रही, कभी कपड़े गंदे कर रही है, तो हम लोग अभी यहीं बैठे हुए, तो मौसम अच्छा है इसलिए हम लोग गाड़ी में बैठ पा रहे हैं, वरना बहुत मुश्किल था। तो हो सकता सपोज के आते ही हो, तो ये देखो गर्मी की वजह से मुझे पिंपल भी हो गया है कि देखो जी पहली इस गर्मी की पहली निशानी जो है मुझे हो गई है, तो अल्लाह ये मैं यही दुआ करती हूँ पिंपल मेरा यहीं चल जाए ना, ऐसे इस तरह का दाग पड़ जाएगा मुझे पिंपल, एक बार हो ना फिर वो कभी आराम से जाते ही नहीं है, इस तरह के दाग पड़ जाते हैं, तो दुआ करती हूँ चल जाएँ। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे क्या करेंगे अभी आपको दिखाते रहेंगे व्लॉग में, तो बने रहे मेरे साथ मेरे व्लॉग में। तो आपको मैं पार्किंग दिखाती हूँ पहले। ओ आप देख सकते हो ये पार्किंग बहुत बड़ी पार्किंग है यार, इसमें कोई लाखों करोड़ों गाड़ियाँ आ जाती होंगी, तो मुझे नहीं पता कितनी आती हैं। तो अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर में खड़े हैं। जैसे आप क्या खा रहे हो, ये नहीं खाते होते, तो चलो जी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो फिलहाल हम उनका वेट कर रहे हैं वो आ जाए फिर हम उसके बाद यहाँ से जाते हैं, फिर ठीक है लेंगे चले जी। तो गाइस हम लोग इस टाइम पार्किंग के अंदर हैं, मतलब घूम फिर रहे हैं, थोड़ी हवा शवा लग रही है, हवा आपको कितनी, मुझे कितनी हवा लग रही है आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा। तो जन्नत जो है वो मैं दिखाती हूँ, जन्नत कहाँ गई है, आप कहाँ हो, ऑटो में हो, ऑटो निकल गंदे बच्चे हमारे, जहाँ भी जो जगह मिल जाए। तो ये देखो जी पूरी पार्किंग में हम लोग घूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं अंदर, पता नहीं क्यों ठंडी हवाएं चल रही हैं, बाहर बड़ा गंदा मौसम है। तो जनत इतने गंदे काम कर रही है, जनत कभी बाहर गिरी, कभी मिट्टी में घूम रही है, कभी कुछ, गंदी लड़की है। तब मैंने इसको ना इसका हाथ कस के पकड़ लिया ताकि मिट्टी जाए ना ये, तो पापा कोई बात नहीं बेटा आपको खाना खिलाएंगे, अभी भूख लगी है इसको, तो खाना भी खिलाते हैं, वो भी आने वाले बस पहुँचने वाले हैं पापा। तो हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, वो भी आ रहे हैं, हमारी गाड़ी वो लगी हुई आगे, वो मैं हैंड पोड़ो आगे। ये देखो जनत के पापा, तो ये देखो इस टाइम तवी रिवर के ऊपर खड़े हैं, तो उफ अल्लाह तवी रिवर देखो ना कितना बड़ा दरिया ही आ रहा है। देखो जी ये देखो, ओहो देखो जी जी खड़ा है, रील बना के आऊँ बाहर जाके मैं एक छोटी सी, आप ये खड़े ना ठीक है, बाहर ही आना तो बच्चे दरिया के चल जाते ठीक है। तो ये देखो कितना बड़ा दरिया आ रहा है, और यह है भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है, ये देख सकते हो आप, ये देखो मुझे देख के डर लग रहा है मैं ऊपर खड़ी हूँ। तो ये देखो जी अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर रजौरी, तो हम गए थे अपनी मतलब आंटी है मेरे उनके घर गए थे लंच करने के लिए, तो उसके बाद हम लोग गए मार्केट,
मार्केट से थोड़ी जन्नत के लिए ड्रेस लिया, चप्पल ली, तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब घर वापस रजौरी। तभी हम रजौरी की लाइन पे आ चुके हैं, रजौरी की रोड पे आ चुके हैं। देखो जिस साइड पे अभी आम शाम दे रहे हैं, इस पर हम कुछ मिनट लेके जा रहे हैं क्योंकि आम का जो सीज़न था ना वो मैक्सिमम ख़त्म हो चुका है। अब जो आम बिकते हैं ना वो थोड़ा पानी होता है, मतलब कीड़े पड़े होते हैं उस पर, नहीं खाने का दिल करता है, इसलिए हम कुछ नहीं लेंगे इस पर, बस जा रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग उतर के बाहर गए, वहाँ पे कूलर वगैरह लगे थे लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। जन्नत इस टाइम सो गई है मेरी गोद में, तो अभी हम जा रहे हैं। देखो जन्नत करनी हो ड्रेस, तो ये देखो जी हम काली तार पे खड़े हैं। देखो जी मंकी, ये देखो जी बंदर, तो एक देखो छोटा सा बच्चा भी है, जन्नत इनको देख के बड़ा खुश हो रही है। ये देखो जी आजा। तो जम्मू के आमों को खाने के अलावा जम्मू के जो आम होते हैं उनका अचार ही बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, तो हम ये रास्ते में लोकल हैं, यहाँ से अचार ले रहे हैं हम आम का। ये देखो जी दो पैकेट हमने ले लिए आम के अचार के, तो हम दे रहे हैं पैसे। ये लो भैया, छूटे नहीं होंगे यार, तो सब हमारे पास भी नहीं है उनको, वो तो लपक चुके हैं। हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन है ना भैया, ये लो। अच्छा ये नंबर दे दो अपना, क्या है। तो ये देखो जी अभी हम लोग यहाँ पे जम्मू से घर जा रहे हैं रजौरी, तो हम रास्ते में यहाँ पे गाड़ी रखाइए थोड़े फ्रेश हो जाएं। तो ये देखो जन्नत क्या कर रहे हो, ये बोलती है मैं नीचे, जन्म जी नीचे नहीं जाते होते। तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, बड़ी प्यारी जगह, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे खड़े होने का। ये देखो जी तो यहाँ पे नीचे बड़े ग्रह हैं, पता नहीं कहाँ हैं, बड़े दूर हैं, हम तो जा नहीं सकते, लेकिन बड़ा कुछ है यहाँ पे देखने को, और बंदा यहाँ रुक के तो घूमता ही रह जाए। ये देखो जी ऊपर चीड़ ही चीड़, ये देखो जी, ये देखो। तो गाइस अब हम लोग रजौरी पहुँच गए हैं, ये देखो जी रजौरी में भी अच्छा मौसम है। ये देखो हम रजौरी मेन रजौरी पहुँच गए, तो तब से हम लोगों ने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी मैंने जम्मू से रजौरी का व्लॉग बनाया हुआ है, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो जिस किसी ने भी जम्मू से रजौरी का सफ़र देखना है तो वो हमारे पीछे वाले व्लॉग में जाए और वहाँ पर देखें। तो बाकी ये देखो जी हम रजौरी पहुँच चुके हैं, अब आपसे मिलते हैं कल। अम्मा।